आधी रात को घने जंगल में तीन दोस्त अपना रास्ता भटक जाते हैं। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा होता है। चलते चलते पहला दोस्त भयभीत होते हुए बाकी दोस्तों से कहता है, यह तो वही जंगल है जहां नदी के उस पार भूत प्रेतों का निवास स्थान है। दूसरा दोस्त कहता है, सही कह रहे हो, जो भी नदी के उस पार घने जंगल में गया है, सुना है वह कभी लौट कर नहीं आया है। तीसरा दोस्त कहता है, अगर ऐसा है कि वहां से कोई लौट कर नहीं आया है तो यह कहानी कौन सुनाता है। मंत्री बीरबल तीन दोस्तों की कहानी महल के मंत्रियों को सुनाकर कहते हैं, इस कहानी को सुनकर आप लोगों को क्या समझ आया? कोई मंत्री जवाब नहीं दे पाता है। मंत्री बीरबल जी, आप ही बताएं। जो जैसा होता है समय आने पर वह वही करके बताता है। पहला दोस्त भयभीत था, वह दोस्तों में भय मतलब डर फैला रहा था। दूसरा दोस्त झूठा था, वह अपने दोस्तों से मनगढ़ंत कहानी सुनाकर झूठ बोल रहा था। तीसरा दोस्त बुद्धिमान था, जिसने अपने दूसरे वाले दोस्त का झूठ पकड़ लिया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत आने पर हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही करना चाहिए, किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए।